सेकेंड होम जो है जानी वृद्धाश्रम, और आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा तो मैंने एंड ओल्ड एज होम से की थी, आज शुरुआत मैं आज करूंगा जानी वृद्धाश्रम से। और आज बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आज करने वाला हूँ कैंपिंग। तो आइए चलते शुरू करते हैं हमारा कैंपिंग। हम तो गए थे कैंपिंग करने के इरादे से, लेकिन कैंपिंग स्टार्ट करने से पहले दादा दादियों के साथ हम लोगों ने भजन गाया, बहुत मजा। वेदिका से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। वेदिका बहुत टैलेंटेड गर्ल है, मनोज दादा है उनकी बड़ी बेटी है, और आज उसने मेरी छोटी बांधी, नहीं वेनी बांधी, मराठी में उसको वेनी बोलते हैं, जैसे वो मैं पता था वीडियो देख लेना तो मैंने क्या बनाया। यहाँ पे आने के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट काम मैं कर रहा हूँ, वेदिका ब्यूटी पार्लर एंड सैलून। सो वेदिका बहुत टैलेंटेड है, सिंगिंग करती है, गिटार बजाती है, और क्या करती है, और मेरा दिमाग खाती है। नहीं, मेरा दिमाग नहीं आती, वेजिटेरियन है। सो ये उसकी ज़ॉम्बी हो दिमाग खाने को, हाँ ज़ॉम्बी है, मारो कैमरा मारा है कहीं ना कहीं। ओके, और ये है इसकी अत्या, मतलब बुआ, तो बहुत छोटी बुआ है, यही छोटी है, छोटी बुआ। ओके ठीक है, चले। और पीछे हमारा गोरख है, गोरख स्माइल, गोरख से मेरे जैसे। तो अभी करते हैं हम लोग कैंपिंग स्टार्ट, तो स्टार्ट करें। यस 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 कैंपो। टेंट लग चुका है, सो अभी अंधेरा भी हो गया है ऑलमोस्ट, तो कोशिश करते हैं अंधेरे में आपको टेंट दिखा रहा हूँ कैसा है। तो बच्चों रेडी? yes! मेरे से ज़्यादा ये लोग एक्साइटेड हैं। ओके चलो, अब वेदिका उद्घाटन करेगी। जा वेदिका, ये जो जीप है वो ऊपर करने का। ओके हाँ, लेट्स पुल 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 पुल, और तालियों के साथ बच्चों तालियां। क्या बात है, वेदिका ने मस्त उद्घाटन कर लिया है। ओके टा ना ना, हाँ अभी अभी यहाँ से जीप है ऊपर ऊपर ऊपर, सो ये जीप अनजीप करना है। ओके टों टों तालिया, बच्चे एक्साइटमेंट की दुकान, एनर्जी की खदान, और घुस रहे अंदर, और एक एक करके टेंट के अंदर जाएंगे। जो गो गो जो जो गो। और बच्चों कैसा लग रहा है टेंट में? अच्छा लग रहा है, मैं भी आ रहा हूँ, रुको। टा टा, तो हम आ गए हैं टेंट में, टेंट में टेंट में। तो बच्चों का फर्स्ट टाइम है टेंट में, तो उनको दिखाना चाहता था कि कैंपिंग क्या है। तो मोटू यही है, मजा रहे कान की धजिया उड़ा दी। तो ये लोग को कैंपिंग पता नहीं थी, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको कैंपिंग पता नहीं है, तो आज हम करेंगे नाइट कैंपिंग। तो जाओ फटाफट और चाय बनाने की और एक बंदा हमारे साथ जुड़ गया है, जो है गोरख हमारे साथ जुड़ गया है, और अभी हम पियेंगे चाय। क्या पियेंगे? चाय। कैंपिंग का प्लान टोटली फ्लॉप। मतलब क्या सोच के गया था, क्या क्या करने वाला था, लेकिन इतनी तेज हवाएं, बारिश बाद में आनी चालू हो गई, लेकिन पूरा प्लान फ्लॉप, गिर गया। और वैसे खाली से हमारा तिरंगा ऐसी ले रहा है, इसको भी निकाल के रखना पड़ेगा। एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई, टेंट हम लोग ने लगाया था लेकिन बहुत तेज हवाएं चलने लगी और टेंट उड़ गया, और अभी हम लोग अंदर सो रहे। आपको समझ रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं, बट बहुत हवाएं चल रही है, तो टेंट उड़ के चला गया था। मतलब उसमें सो जाते तो नहीं उठता, लेकिन थोड़ा रिस्क था,
बात सुनो, तो अभी इन मुर्गियों को पहुंचाना है उनके घर पे। चलो कितने, एक दो और बच्चे। अरे छोटे 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 ये छोटे। अरे यार चले लो ये बच्चे हमेशा बच्चे पकड़ती है, बड़े भी पकड़ती हूँ पर आज खेल नहीं रहे। सच्ची में नाटक। चलो तो यार कपड़े को ना। इन सबको अभी लेके जाना है उनके घर में, और एक एक को पकड़ेंगे आई शाबाश, और उनको लेके जाएंगे वहाँ पे, उनका घर वहाँ पे। ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, कभी मैंने ऐसे मुर्गियों को पकड़ा नहीं है। तो अभी ये मुर्गियाँ जाएंगी अपने घर पे। एक्चुअली मेरे को आज बहुत कुछ बातें करनी थी, लेकिन थोड़ा प्लान चेंज, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक्साइटमेंट हो रही है और मज़ा आ रहा है। मज़े लगा खूब खूब मजे कर रहे हैं हम लोग खूब। क्या सांगते वाह, मुर्गियों के लिए ये क्या बोल रहा है, लोरी गा रहा है, लोरी गा रहा है लोरी, ताकि वो सो जाए। वो ऑलरेडी सोए ले वो। ये गया मेरा वाला काका काकक, सुबह मिलेंगे काका काकक। सबसे बड़ा वो था जो अपने यही शाबाश। अरे हां वाला दादा, हां वाला मम्मी सब तो सो गए। अरे मम्मी तेरी गाड़ी है। लेकिन एक बात बहुत मस्त, मतलब वो कहते हैं ना कि आप रिश्तों के बंधन से कभी दूर नहीं जा सकते। तो रक्षाबंधन था ही, तो हम लोगों ने भी दादा दादियों के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। मांग के लेना चाहिए बस।
सिर्फ अपने टिफिन का खाना दे देते स्टेशन पे, वो दिख गई थी औरत और उसको खाना खिला देते। सो वो औरत ने एक दिन बोल दिया कि दादा तू इतना खाना खिला रहा है तो शेल्टर देगा तो बहुत अच्छा होगा। सो दादा को उधर क्लिक हो गया तो दादा ने उस महिला को अपने घर पे सहारा दिया। ऐसे करते करते एक महिला आई, फिर दो और बुजुर्ग आ गए, तो ऐसे चलते रहते तीन बुजुर्ग उनके घर पे रहने लगे। सोसाइटी को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हो गया और अच्छा भी नहीं लग रहा था कि एक बंदा मतलब रस्ते पे पड़े हुए बुजुर्ग को अपने घर लेके आ रहा है। तो दादा बोला कि नहीं, इसको कहीं पे तो हम लोग एक शेल्टर क्रिएट करते हैं। तो एक जगह मिल गई डोनेशन थ्रू और वहाँ से शुरू हो गया जानियों का सफ़र। और आज तकरीबन 6 साल हो गए, और पहले आश्रम डोंबिवली में था जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, और अब ये आश्रम नए जगह पर आ गया। और ये जगह मतलब स्वर्ग से कम नहीं है, मतलब एक स्वर्ग ही लगती है।